हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वांड्स टैरो रीडिंग। आज मैं बात करूंगी रिया चक्रवर्ती के बारे में, और मुझे काफ़ी व्यूअर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप प्लीज़ ये पता करिए कि क्या रिया चक्रवर्ती ने ब्लैक मैजिक किया था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। तो इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एक रेड कलर का आइकन है उसको प्रेस करिए, और उसके बाद आपको आएगी एक बेल दिखाई देगी, उस पर ज़रूर क्लिक करना, अदरवाइज़ आपको मेरी वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तो जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी आपको तुरंत अपडेट मिलेगा उसका। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या रिया चक्रवर्ती ने काला जादू किया था सुशांत के ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक किया था, जादू टोना कर रखा था। लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून आया है हमें सबसे पहले, फिर हमें आया है ये यूनिकॉर्न जो पेयर्स कर रहा है इस पर्सन के सर को, फिर हमें जस्टिस का कार्ड आया है। मैं ये सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक करके। लेट्स फाइंड इट आउट। फिर हमें आया है समवन वेरी बिजी और ऑल ऑक्यूपाइड। लेट्स फाइंड आउट मोर कार्ड्स। क्लस्टर ऑफ नॉस्ट्रैमस, प्लीज टेल मी हैज शी डन एनी ब्लैक मैजिक ऑन सुशांत सिंह राजपूत, प्लीज गिव मी कार्ड्स प्लीज। ओके, प्लीज गिव मी कार्ड्स। सी दिस कार्ड इज डायरेक्टली लिंकिंग विद द इल्यूमिनाती क्लब, डायरेक्टली लिंकिंग विद द इल्यूमिनाती क्लब। मैंने जो इल्यूमिनाती वाली रीडिंग करी है उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से बॉलीवुड में इल्यूमिनाती है, और किस तरीके से वो लोग बस अपना क्वीन और किंग बन के रहने के लिए या बॉलीवुड पे राज करने के लिए इल्यूमिनाती को यूज़ करते हैं। तो ये इल्यूमिनाती से मैं इस कार्ड को डायरेक्ट लिंक कर रही हूँ, क्योंकि ये उस रीडिंग में आया है, अगर आपने वो मेरी रीडिंग देखी हो। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। हाउ प्लीज़ टेल मी वॉज शी डूइंग एनी ब्लैक मैजिक ऑन सुशांत सिंह राजपूत, वॉट वॉज इट प्लीज टेल मी। ओके, शी वॉज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, वॉट एल्स वॉज शी डूइंग। He was an honest man. She was basically gathering information from him. She was keeping an eye on him. वो एक पूरी नज़र रख रही थी उनके ऊपर, जासूसी कर रही थी उनकी। Oh God, देखिए मुझे पहले ही डाउट था कि 100% कुछ ना कुछ ऐसा है। ये जो कार्ड मुझे आया, ये डेविल एनर्जी का कार्ड आया है, और इस कार्ड के आने के बाद ये क्लियर होता है कि ब्लैक मैजिक करा था उन्होंने सुशांत के ऊपर, ब्लैक मैजिक करा था। अभी मैं एक अब मैं आई टेक आउट टू मोर कार्ड्स, दैट्स इट, टू मोर कार्ड्स, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स जस्ट टेक आउट टू मोर कार्ड्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर रीडिंग। ओके, दीज टू आर कमिंग आउट, सो लेट्स सी। ओके, वंडरफुल, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा जो सवाल था टैरो से वो ये था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत पे उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था रिया चक्रवर्ती ने। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप ये पर्सन यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हॉर्स पे बैठे हो, ये डेफिनेटली वो ग्रुप है जो सुशांत के अगेंस्ट था, और जो उनको शायद जो मर्डर में भी शामिल है वो लोग हैं। यहाँ पे आप ये पर्सन देख रहे हो, ये मुझे सुशांत की एनर्जी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये ब्लेस्ड हैं, इनको ये जो एंजल है ये ब्लेस कर रही है। आप ध्यान से देखिए, इस पर्सन को एक एंजल है और वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो ये क्लियरली सुशांत की ही एनर्जी है। अब हमें ये आया है डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी का क्लियर मतलब है कि कोई ना कोई उनके ऊपर जादू टोना टोटका कुछ ना कुछ हो ही रहा था, कर ही रही थी लगातार। ठीक है, ये कार्ड हम यहाँ रखेंगे। फिर हमें ये ऑनेस्ट मैन का कार्ड आता है, जो एनर्जी मुझे क्लियर सुशांत सिंह राजपूत की लग रही है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, सुशांत की एनर्जी को। फिर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ मुझे क्लियर लग रहा है कि जैसे सुशांत अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, सुशांत है और ये उनका कोई फ्रेंड होगा जो कैप पहना है, जैसे भी है, और यहाँ पे ये पर्सन यहाँ सारी बातें सुन रहा है। हो सकता है ये रिया चक्रवर्ती हो जो इनकी बातें सुन रही है, ये जासूसी, पूरी जासूसी हो रही थी उनकी। ठीक है, तो इनको हम यहाँ रखते हैं इस कार्ड को। फिर मैंने ये वाला कार्ड आपको डायरेक्ट इल्यूमिनाती से, मैंने आपको बोला ये मैं लिंक कर सकती हूँ, ये बॉलीवुड से मैं लिंक कर रही हूँ, कि यानी कि ये बॉलीवुड से ही जादू टोना जो इनके ऊपर हो रहा था, ये डेफिनेटली बॉलीवुड से ही लिंक्ड है, कोई ना कोई बॉलीवुड का पर्सन। अब जैसे ये जो महेश भट्ट कैंप है, ये इन लोगों का तो ये सब है ब्लैक मैजिक का, तो हॉन्टेड मूवीज़ बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कनेक्शन क्लियर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके सर पे आप देख रहे हैं काले रंग का एक पक्षी सा बैठा है, बड़ा अजीब सा ईगल जैसा, ये पर्सन मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन लग रहा है। लेकिन ये यूनिकॉर्न, ये जो हॉर्स है इसका जो यूनिकॉर्न है, ये इसके सर को पेयर्स कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कोशिश करते थे नेगेटिव एनर्जी सुशांत पे भेजने की, वो बैक होके इनके पास ही आ जाती थी। उसका रीज़न ये है कि सुशांत जो थे काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, जैसे कि मैंने ये दो एनर्जीज आपको सुशांत की दिखाई, वो ऑनेस्ट भी थे और एंजल्स भी उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी कि जैसे वो धार्मिक थे और सब करते थे पूजा पाठ, तो उनके साथ जस्टिस हो रहा था, मतलब ये कि उनके साथ ये लोग गलत नहीं कर पा रहे थे, तो पलड़ा भारी था उनका। और साथ ही साथ आप ये देखिए, ये है हमारा फॉर्चून व्हील, ऑफ फॉर्चून भी उनकी तरफ थी,
और ये जो इतने सारे काम हैं ऑक्यूपाइड भी थे वो, तो ये चाह कर भी उनके ऊपर काला जादू नहीं कर पा रही थी, ये चीज़ मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रही है। उसका मेन कारण था कि वो ब्लेस्ड थे, उनको ये एंजल्स ब्लेसिंग दे रही है और ये एक ऑनेस्ट पर्सन थे, तो इसलिए ये कुछ नहीं बिगाड़ पाई उनका। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ये इन्होंने ट्राई किया है, ये जो है इल्यूमिनाती से लिंक कर रही हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि ये ऐसा है ये कार्ड। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको ये लोग जितना कोशिश कर रहे थे उनको ब्लैक मैजिक करने की, वो चीज़ ये सफल नहीं हो पा रहे थे। और फिर ये जासूसी भी कर रहे थे सुशांत की, ना ही सिर्फ ब्लैक मैजिक, ये जासूसी भी लगातार कर रहे थे, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो डेविल है ये इस डॉग को इस सॉर्ड से डरा रहा है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का डॉगी था उसको सारी इसके बारे में चीज़ें मालूम थी, क्योंकि डॉगीज जो होते हैं उनको ये नेगेटिव एनर्जीज ये सब दिख जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत का जो डॉगी था उसको सारी चीज़ें मालूम चल गई थी और वो उसे मालूम था। आप देखिए ये इसको थ्रेटन कर रही है इस डॉग को, ये जो भूत है इसको थ्रेटन कर रहा है चाकू से, तो ये डॉग को इसकी रियलिटी मालूम थी और ये कुछ ना कुछ करती रहती थी सुशांत के ऊपर, आई एम 100% श्योर। और जब ये सब काम नहीं चला तो लास्ट में इन लोगों ने ये प्लान करके ये पर्सन इन लोगों को भेजा सुशांत के साथ जो भी हुआ, वो फिर फाइनली ये किया इन लोगों ने। तो खैर ये तो रीडिंग को फिर आगे ले जाएगा और आगे अभी नहीं जाना है हमें, बस यही जानना था कि क्या। और देखिए ये कार्ड मैंने सबसे लास्ट में जो कार्ड आया हुआ है मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, ये वही क्राइम सीन का कार्ड है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है पूरा का पूरा। तो इसको अगर क्योंकि ये आ गया है तो मैं इसीलिए आपको समझाना चाह रही हूँ। इसमें मैंने पहले ही बताया कि ये वैसा ही क्राइम सीन है जैसा सुशांत के रूम में था जहाँ उनकी बॉडी मिली है। आप ये बेड देखिए, वाइट बेडशीट बिछी हुई है, इस लेडी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, जो एक ग्रीन स्कार्फ मिला था, ये जो सर्वेंट है ये पैर पकड़ रहा है, आप देखें अगर ध्यान से ये पर्सन यहाँ बैठा है सुशांत जैसा ही लग रहा है। और यहाँ पे ये दो जने जो बैठ के एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो कुल मिला के ये जो क्राइम सीन है वही वाला कार्ड मुझे इसमें अपने आप ही नीचे की तरफ लास्ट में दिख रहा था, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और क्योंकि मैंने ये बोला कि फिर ये आगे बढ़ गए, फिर मैंने कहा कि लेकिन मैं रीडिंग आगे नहीं बढ़ाना चाहती, बट फिर जब मैंने अपने टैरो कार्ड को ऐसे करके देखा तो जो लास्ट में जो कार्ड मेरा बच रहा था वो यही कार्ड था, तो दैट मीन्स टैरो मुझे खुद ही ये बता रहा है कि ये वेयर वेयर दे मूविंग, ये जो लोग आए थे मारने के लिए ये कौन थे, यही लोग हैं, ये चारों लोग यही हैं जिन्होंने सुशांत को मारा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसके बाद ये वाला कार्ड था। तो खैर जो भी है ये और रीडिंग आगे बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे अभी स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हमें डेविल का कार्ड आया है, तो हाँ जादू टोना उन्होंने करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाई, शी वॉज़ नॉट सक्सेसफुल। उसका कारण यह है कि सुशांत वॉज ब्लेस्ड और उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज थी जो उन्हें बचाती थी, तो वो नहीं कर पा रही थी कुछ भी उनको, और बहुत ही वो ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन थे, भगवान को मानने वाले, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी वो, इसीलिए फिर उन्होंने साइकेट्रिस्ट की और ये सब चीज़ों का जो ड्रामा किया वो इसीलिए किया, और फिर उनके ब्रेन को ये शो करने लगी कि वो पैरानॉइड है। और साथ ही साथ जो हमें ये कार्ड आया है ये, इससे मुझे ये क्लियर होता है कि जो सुशांत का जो डॉगी था उसको इसकी रियलिटी मालूम थी, ही न्यू व्हाट शी वॉज, तो उसको मालूम थी इसकी रियलिटी लेकिन वो सुशांत को नहीं बता पाया, और ये लगातार सुशांत पे कुछ ना कुछ करते रहती थी, और कहीं ना कहीं उनके डॉगी को सब कुछ मालूम था लेकिन वो बता नहीं सकते थे क्योंकि जानवर कैसे बताएगा। तो हाँ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक किया गया है सुशांत के ऊपर, नो डाउट डेफिनेटली ब्लैक मैजिक किया गया है, बट वो इफेक्टिव नहीं हुआ, तो इन्होंने फिर उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट और कूपर हॉस्पिटल वो सब जो मैंने दूसरी रीडिंग में बताया है वही कंटिन्यू किया है इन्होंने। तो ठीक है यही रीडिंग थी और हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी तो, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद है तो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं भी और बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अभी कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब मैं अभी ढूंढूंगी, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ जितने मैं कवर अप कर सकूँ उतने मैं कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरा नंबर है 9899000366 और मेरा जीमेल है nt369dubai@gmail.com। तो आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय नाउ।